ये वर्ष भारत के आजादी का 75वां वर्ष और मोदी जी ने भारत की आजादी के 75 वर्ष को देश भर में मनाने का काम किया है। शुरुआत की उसके पीछे उनका उद्देश्य है कि रामजी कोंड और कुमाराम भीम जैसे हमारे अनजान योद्धाओं को फिर से हमारी युवा पीढ़ी जाने, पूरा देश जाने। इसलिए आजादी के 75 साल मोदी जी जोर शोर के साथ मना रहे हैं। आजादी के 75 साल भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनः प्रस्थापित करने के 75 साल है। भारत की आजादी का लड़ाई का, भारत की आजादी के संग्राम का गौरव पुनर्जीवित करने के 75 साल की हमारी ये पेशकश है। 130 करोड़ लोगों को उनके हक, विकास पर समान हक मिले, इसके लिए आजादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं। विश्व में भारत का स्थान सिरमौर हो, इसलिए आजादी के 75 साल बना रहे हैं। और भारत सुरक्षित रहे, समृद्ध बने, इसके लिए आजादी के 75 साल बना रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहता हूं कि सरदार पटेल ने तेलंगाना को आजादी 17 सितंबर 1948 को दी, मगर तेलंगाना को सच्ची आजादी तभी मिलेगी जब मजलिस की बैसाखी के बगैर की सरकार तेलंगाना में बनेगी। मुझे बताइए आप, अगले चुनाव के अंदर मजलिस की बैसाखी बगैर की सरकार बनाएंगे क्या आप? जोर से बोले बनाएंगे, पीछे वाले नहीं बोलते, बोलिए बनाएंगे। माताओं, भाइयों और बहनों, मजलिस की बैसाखी बगैर की सरकार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। तेलंगाना के गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। और परिवारवाद को मुक्त करने वाली, परिवारवाद से तेलंगाना को मुक्त करने वाली सरकार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहने चाहता हूं कि तेलंगाना के अंदर धर्म के आधार पर एक रिजर्वेशन दिया गया है। आरक्षण धर्म के आधार पर कभी नहीं होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। धर्म के आधार पर दिए गए आरक्षण का हम विरोध करते हैं, ये संविधान सम्मत नहीं है, इसको तुरंत रद्द करना चाहिए। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं कि टीआरएस की सरकार जो है, चंद्रशेखर राव की सरकार है, उसका चुनाव चिन्ह कार है। कार क्या है भाई, बोलो तो, कार है ना? आप मुझे बताओ, कार को पहिए चलाते हैं या स्टीयरिंग चलाता है? कौन चलाता है? स्टीयरिंग चलाता है ना? ये कार तो टीआरएस की है, चंद्रशेखर राव की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। ऐसी कार, ऐसी गाड़ी तेलंगाना का भला कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? मित्रों, मैं आज आपको इतना कहना चाहता हूं कि 1400 से ज्यादा, 370 से ज्यादा युवाओं का जीवन का अंत पुलिस फायरिंग में हुआ था तेलंगाना राज्य के लिए, और 1400 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। हमने ऐसे तेलंगाना के लिए ये गौरव दिया था, आंदोलन किया था और बलिदान दिया था जो तेलंगाना के गौरव को पुनः प्रस्थापित कर। मैं आज इस ऐतिहासिक दिन पर, हैदराबाद विमोचन दिवस पर, मोदी जी के जन्मदिन पर और विश्वकर्मा दिन पर आप सभी को वादा कर जाता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम यहां पर तेलंगाना के गौरव को हमेशा हमेशा के लिए प्रस्थापित करने का काम करें। मित्रों,
आज मैं यहां आया हूं इस वक्त संजय बंडी के नेतृत्व में हमारी सरकार हमारी संग्राम यात्रा चल रही है और उसमें चुनाव तो जब आएगा तब आएगा मगर 119 के 19 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जन जागृति के लिए आगे बढ़ने वाली है। इसके पहले हमारे भाई राजेंद्र का चुनाव आने वाला है। आगे आओ राजेंद्र, आगे आओ यार। टीआरएस समझती है, सुनिए सुनिए सुनिए, टीआरएस समझती है हर चुनाव पैसों से जिए जीता जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना की जनता क्या तय करेगी, एक सेवाभावी कार्यकर्ता को तय करेगी और पैसों की राजनीति को तय करेगी। क्या राजेंद्र जी को जिताएंगे सब, जोर से बोलिए जिताएंगे, पैसों की राजनीति को अलविदा कहेंगे, परिवारवाद की राजनीति को अलविदा कहेंगे? 24 में तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीजिए, संग्राम यात्रा को सफल करने का निर्णय करिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत